Hello everyone, welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School Gudiyani Rewadi. Today we are going to start 7th class 9th chapter. There are solemn to Nairobi by Ford Perfect. जी हमारा लेसन का नाम है डेरा सोलम्स टू नैरोबी बाय फोर्ड परफेक्ट. इसकी जो थीम है वो ट्रैवल है. ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो राइटर है उसके अंदर वो कहीं पे जाता है, उसकी पोस्टिंग हो जाती है, तो वो अपने जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर करता है इस चैप्टर के अंदर. तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स हैं बैंग ने मैग्निमस का मतलब होता है लार्ज, प्रचुर, उदार चरित्र. यानी कि लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है. लेकिन यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ है, ये उदार चरित्र के यूज में यूज हुआ है, ठीक है, लार्ज हार्टेड मैन. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एनलिस्ट का मतलब होता है अनरोल, यानी कि शामिल करना, किसी चीज को किसी चीज के अंदर शामिल कर लेना. उसके बाद है हैजार्डियस का मतलब होता है डेंजरियस, खतरनाक, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिफाइड का मतलब होता है डिफन, यानी कि बढ़ जाना, तीव्र हो जाना, ठीक है. कोई चीज़ है वो एकदम से बढ़ जाती है या फिर तेज़ हो जाती है. फॉर एग्जांपल जो पानी का भाव है वो ही एकदम से तेज़ हो जाता है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनेंस का मतलब होता है मीनिंगलेस, यानी कि उटपटांग का मतलब क्या होता है, शून्य, कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है. उसके बाद है हमारा इनहिबिशंस का मतलब होता है शेनेस, संयम, या फिर हम इसको अवरोधन भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ के बीच में अवरोध वगैरह लगाना. उसके बाद है हमारा लैंगोरियस का मतलब होता है लेजी, सुस्त, आलस्यपूर्ण ढंग से, ठीक है. उसके बाद है हमारा डिमोर का मतलब है शांत, सौम्य, या फिर हम इसको शर्मिला भी बोलते हैं, क्योंकि शर्मिला जो बच्चा होता है या फिर जो पर्सन होता है वो कैसा होता है, या तो शांत रहेगा, सौम्य रहेगा, मतलब बिल्कुल किसी से बात बात नहीं करेगा, एकदम से अलग थलग सा रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक्सिलेशन का मतलब होता है एक्साइटिंग, आनंद कर. उसके बाद है हमारा रूट्स का मतलब होता है ग्रूव, लकीर डालना, किसी चीज़ के बीच में लकीर डालना, ऐसे कि जैसे कि हमने ऐसे इसके बीच में क्या डाल दिया, लकीर डाल दी, इनके बीच में ऐसे लकीर डाल दी, ठीक है. उसके बाद है हमारा करंट का मतलब होता है कंटिन्यूसली फ्लोइंग वाटर, यानी कि जो पानी जैसे कि ऊपर से जब नीचे गिराते हैं तो एक करंट सा नहीं बनता है, जलधारा जिसको हम बोलते हैं. उसके बाद है हमारा एस्टर्न का मतलब होता है बिहाइंड, पीछे की तरफ, ठीक है, कोई चीज़ है वो किसी के पीछे की तरफ है. उसके बाद है सर्निटी का मतलब प्लेस, यानी कि जगह या फिर कार्यभार, यानी कि जो लेखक है यहाँ पे अपनी ऑटोबायोग्राफी एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्लेस वर्ड यूज हुआ है वो उसके कार्यभार से, जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई है, जहाँ पे जाके उसको अपना चार्ज संभालना है, उस चीज़ से रिलेटेड है. उसके बाद है अफेबल का मतलब है फ्रेंडली, मिलनसार, भद्र, यानी कि सभी के साथ कैसा है, एकदम से किसी के साथ मिलता है तो वो एकदम से फैमिलियर हो जाता है, जाना पहचाना सा लगता है, यानी कि अजनबी जैसा नहीं लगता. उसके बाद आता है कॉन्शियसनेस का मतलब है मॉरल सेंस, ठीक है, यानी कि जमीर, या फिर हम इसको अंतरात्मा भी बोल सकते हैं. अब आता है हमारा लेसन स्टार्ट होता है. ये जो लेसन है ये लेखक की ऑटोबायोग्राफी है. इट वाज 1939 एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड हैड जस्ट बिगिन, यानी कि ये जो बात अब आज हम जिस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर जो बात करने जा रहे हैं वो कब की बात है, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होने वाला था अफ्रीका के अंदर, ठीक है, 1939 के अंदर. उसके बाद ए यंग रोलार्ड डॉल वर्किंग, यहाँ पे जो यंग रोलार्ड डॉल है ये हमारे राइटर का नाम है, ठीक है, जो इसके अंदर जो मेन करेक्टर है उसका नाम है, वर्किंग इन अफ्रीका, जो कि अफ्रीका के अंदर काम करता है फॉर सेल ऑयल कंपनी इन डेयर सलाम तंजानिया. और जो ये इस जगह का नाम है जहाँ पे वो काम कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, वो सेल ऑयल कंपनी के अंदर काम कर रहा है. और ये कंपनी कहाँ पे है, इन डेयर सलाम तंजानिया के अंदर, डेयर सलाम के अंदर है, देन कॉल्ड तंजानिका, ये और फिर इसको तंजानिका भी बोलते हैं, ठीक है, तंजानिया के अंदर है, इसको तंजानिया तो बोलते ही हैं लेकिन तंजानिका भी बोल देते हैं इसको. सेट आउट इन हिज ओल्ड कार, जो राइटर है हमारा, जो लेखक है वो किसके अंदर आता है, अपनी पुरानी कार के अंदर बैठ के तंजानिया के अंदर आता है, टू ज्वाइन द रॉयल एयर फोर्स RAF,
और किस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए, रॉयल फोर्स को ज्वाइन करने के लिए RAF, ठीक है, इसको एक वर्ड के अंदर दे दिया है, R से मतलब रॉयल और A से एयर और F से फोर्स, RAF को ज्वाइन करने के लिए आता है। हिज डेस्टिनेशंस वास केनिया, उसकी जो पोस्टिंग है वो केनिया के अंदर होती है। दिस पैसेज फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी कल बुक, ये जो पैसेज है यानी कि इस चैप्टर की जो स्टोरी है, इस चैप्टर की जो समरी है, वो राइटर की ऑटोबायोग्राफिकल बुक से ली गई है, गोइंग सोलो। राइटर ने अपनी एक बुक लिख रखी है गोइंग सोलो, उसमें से ये चैप्टर उठाया है। इज अबाउट हिज जर्नी, ये किसके बारे में बताता है, उसकी जर्नी के बारे में बताता है। किसकी जर्नी के बारे में बताता है, राइटर की जर्नी के बारे में बताता है। एंड द एनिमल्स एंड पीपल्स ही एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और किसके बारे में बताता है, एनिमल्स के बारे में बताता है, पीपल्स के बारे में बताता है जो उसने एनकाउंटर के, जो वहाँ पे उसने देखे, उनके साथ उनका जो साक्षात्कार हुआ और कैसा उसको फील हुआ, वो अपने एक्सपीरियंसेस है वो लेखक शेयर करता है। लेखक कहता है कि जब मैं तंजानिया के अंदर आता हूँ, डेयर सलाम के अंदर आता हूँ अपनी पोस्टिंग को ज्वाइन करने के लिए, उनके पास एक लेटर आता है और फिर जो लेखक है वो अफ्रीका के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है, तंजानिया आने के लिए। जब वो वहाँ आते हैं तो वो क्या देखते हैं, जब उनकी गाड़ी जब जंगलों के अंदर से जा रही होती है तो वो देखते हैं लंबे लंबे जिराफ देखते हैं जो झुंड के अंदर खड़े हैं, और उनके साथ एक छोटा जिराफ का जो बच्चा है वो एक साइड दूसरी साइड खड़ा है, ठीक है, यानी कि जो जिराफ है वो झुंड के अंदर ऐसे 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 लाइन के अंदर खड़े हैं, लेकिन जो दूसरा जो छोटा जो बेबी है, जो जिराफ का जो छोटा बेबी है वो एक साइड में खड़ा है। लेखक उनकी लंबी लंबी गर्दन को, लंबे लंबे पैरों को, उन जिराफ को देख के चिल्लाता है, खुशी से चिल्लाता है, हेलो 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 जिराफ, हाउ आर यू, ऐसा उनके साथ है बोलता है। और जब राइटर उनको बोलता है हाउ आर यू, तो जो जिराफ है वो भी अपना हेड हिला देते हैं, अपना सर हिला देते हैं, तो लेखक सोचता है, जो राइटर है वो सोचता है कि ये मेरे साथ बात कर रहे हैं, और इस वजह से लेखक को काफ़ी इंटरेस्ट होता है। जब वो देखने के बाद वहाँ से जब आगे बढ़ता है, रोड के दूसरी तरफ जाता है, तो क्या देखता है कि एक ब्लैक कोबरा, ठीक है, जिसका सर चपटा है, चम्मच के आकार के जैसा है, बिल्कुल भारी गोल सा और काफ़ी भारी बड़ा सा ब्लैक कोबरा देख के लेखक एकदम से शॉक रह जाता है कि ये क्या आ गया। फिर उसके बाद लेखक क्या करता है, आगे जब अपनी गाड़ी को और आगे लेके जाता है जंगल में से, अपनी गाड़ी को और आगे लेके जाता है, तो उस टाइम पे वो क्या देखता है, एक जब जहाँ से लेखक को स्पॉज करो के देखो कि यहाँ से लेके और इस तरफ आना है, ठीक है, ये जो बीच का जो रास्ता है यहाँ पे पानी था, कोई नदी वगैरह थी, तो लेखक वहाँ से अपनी कार को लेके चलता है, लेकिन जैसे लेखक यहाँ से अपनी कार गाड़ी को लेके जाता है तो उसकी जो गाड़ी है वो यहाँ कीचड़ के अंदर पानी के अंदर फंस जाती है, तो उसको निकालने के लिए छह मोटे ताजे हट्टे कट्टे पीपल्स हैं वो आते हैं, और वो रस्सा लेकर और अपने इस पे कंधे के ऊपर डाल के और उसकी गाड़ी को निकाल के और बाहर लेके जाते हैं। तब जब उसकी गाड़ी को निकाल रहे होते हैं इस स्ट्रीम के अंदर से, इस नदी के अंदर से, जब उसकी गाड़ी को बाहर निकाल रहे होते हैं लेखक की गाड़ी को, तो लेखक क्या देखता है, क्रोकोडाइल को देख के, मगरमच्छ को देख के, और थोड़ा सा घबरा जाता है, चिल्लाने सा लगता है, तो वो जो छः आदमी थे वो उनको एक थप्पड़ मारते हैं, और लेखक का जो दिमाग है वो सेंटर में लेके आते हैं कि ऐसा नहीं, और वो अपना फुल फोर्स लगा के उस गाड़ी को खींच के और उसको किनारे तक ले आते हैं, यानी कि जो लैंड एरिया है वहाँ पे उसको ले आते हैं। उसके बाद लेखक है, शाम हो चुकी होती है, लगभग 3:30 बजे का टाइम हो चुका होता है, और लेखक अपने कैंप के अंदर पहुँचने वाला होता है। अगले दिन उसको पोस्टिंग करनी होती है, उसका जो मेडिकल वगैरह है वो होके फिर उसको पोस्टिंग अपनी पोस्टिंग के ऊपर जाना होता है, तो इस वजह से जो लेखक है वो वहाँ आ जाता है। और वहाँ पर रात को लेखक रुकने के लिए क्या करता है, अपनी उसकी जो गाड़ी है वो अपनी गाड़ी के अंदर ही रुकता है, वो किसी होटल या धर्मशाला के अंदर नहीं रुकता, ना ही वहाँ के लोगों के साथ रुकता है, वो अपनी गाड़ी के अंदर ही रुक जाता है, और कहता है कि उसकी गाड़ी है वो प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी बेस्ट है, यानी कि सेफ्टी के लिए, इससे एनिमल्स से सेफ्टी हो सकती है, जंगल के अंदर जो एनिमल्स हैं उनसे राइटर की सेफ्टी हो सकती है। लेखक वहाँ पर भीड़ लोगों को देखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लेखक फिर जाता है वहाँ पे घूमने के लिए, उसे जंगल के अंदर घूमने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि जो भीड़ जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहने हुए हैं, उनके जो पजामा हैं वो बड़े अजीब तरीके के हैं,
क्योंकि वो जंगल के अंदर कैसे कपड़े पहन रखे थे, जो पेड़ों की जो छाल वगैरह के जो बने हुए थे उनसे, उनके कपड़े पहन रखे थे। उनके पास एक काऊ है, लेखक ने सोचा ये तस्कर हैं, ठीक है, जो जानवरों को मारकर उनका जो मांस वगैरह है, उनकी जो स्किन वगैरह है, उनको बेचने वाले पोचर्स हैं। लेकिन लेकिन बाद में लेखक को पता चलता है कि वो वेजिटेरियन है, वो इन जानवरों को मारकर नहीं खाते। लेकिन कुछ जो बैड पीपल्स हैं वो यहाँ पे जंगल में आते हैं और इनके एलिफेंट्स वगैरह को मारते हैं, किस उनके आइवरी, उनके बड़े बड़े दांतों के लिए मारते हैं ताकि उनसे आभूषण वगैरह बनवा सके या फिर उनको मार्केट में सेल करने के लिए उनको बेच सके। उसके बाद लेखक जब अपने कैंप के पास जाता है तो लगभग 3:30 बजे का टाइम होता है, जहाँ पे उनका मेडिकल होना है। वहाँ पे जाने के बाद उनका मेडिकल होता है, मेडिकल जब लेखक का मेडिकल होता है तो जो एक इंग्लिश डॉक्टर होता है वो लेखक का मेडिकल करता है और कहता है कि उनकी हाइट 6 इंच थी। तो जो मेडिकल जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि ये हाइट है, ये ज़्यादा लंबी है। तो लेखक को अब डर लगता है कि अब अगर इन्होंने हाइट में मेरे को निकाल दिया तो लेखक की जो ये जो जॉब है वो चली जाएगी। तो इससे लेखक थोड़ा डर जाता है और वो कहता है कि कुछ हो नहीं सकता क्या। लेकिन डॉक्टर फिर उनको बाद में बताते हैं कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं और आप अपनी पोस्टिंग ज्वाइन कर सकते हैं, हाइट वाइट उनके लिए कोई मैटर नहीं करती, आपकी हाइट ठीक है। और ऐसा कहकर वो जो हमारे लेसन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यहाँ तक कि लेखक ने अपने ऑटोबायोग्राफी के अंदर अपना जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किया है कि जब वो जंगल के अंदर से गुजरते हैं तो वहाँ के जो पीपल्स हैं उनसे मिलने के बाद उनको काफ़ी अपनापन सा लगता है, उनको लगता ही नहीं कि वो कहीं दूसरे इलाके के अंदर आए हैं, किसी दूसरे देश के अंदर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें लेखक ने इस चैप्टर के अंदर बताई है और इसी के साथ हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।